कहां जाना है कुछ बताओ तो सही मुझे। थोड़ा और सीधा, उसके बाद मुड़ जाना आगे से। यहां क्यों लाई हो तुम मुझे? तुम यह समझाना चाहते हो ना कि कागजात तुमने नहीं भेजे थे? हवेली हमारे पास रहे या नहीं, उससे हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं बदलेगा मीरान, समझ जाओ। वहां देखो, कुछ नजर आ रहा है? इसी जगह। रियाना से मत करो प्लीज। हमारा मसला यहां से शुरू हुआ था मीरान। उस घर को दोबारा बनवा सकते हो क्या? क्या गुजरा वक्त वापस ला सकते हो तुम मीरान? बिल्कुल इसी जगह। नहीं, काश उस दिन तुम एक दफा मुड़कर देख लेते मीरा। रियान मैं तुम्हें तुम नहीं, आज सिर्फ मैं बोलूंगी। प्लीज रियान, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हें यहां इसलिए लाई हूं ताकि उस दिन जो हुआ वो देख सको तुम। और जानते हो, जब तुम यहां से चले गए थे तो भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लगता था कि तुम आ जाओगे, वापस आओगे। मैं खुद को समझाती रही थी उस दिन, उससे गलती हो गई है मगर वो वापस आएगा, नहीं जा सकता वो। कितनी देर मैं तुम्हारे इंतजार में जमीन पर पड़ी रही। अगर तुम नहीं आए, नहीं आए तुम, नहीं आए। अगर मैं वापस आता तो माफ कर देती मुझे? हाँ कर देती, लेकिन मैं वापस लौट तो आया रियान। देर हो चुकी थी, तुम पर इतना यकीन था ना मुझे वीरान, तुम्हें एक पहाड़ समझती थी मैं। हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरी हिफाजत करेगा। बाबा के बाद अगर किसी पर यकीन किया
तो वो तुम थे मीरान, लेकिन तुमने मुझे ये सिखाया कि किसी पर भी यकीन नहीं करना। यहां सब कुछ खत्म हो गया था जब मुझे छोड़कर गए थे तुम। खुद जला दिया था मैंने, यहां की हर एक चीज जला दी थी मैंने। और इस जगह की ही तरह हम भी बर्बाद हो गए हैं। हम दोनों की हालत भी इस जगह की तरह है। तबा, मुझे बताओ मैं क्या करूं रेहान, कैसे सब ठीक करूं, बताओ मुझे प्लीज। मेरी जिंदगी से चले जाओ, क्योंकि अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। उस दिन जैसे तुम मुझे अकेला छोड़कर गए थे ना मीरान, आज भी वही होगा। नहीं जा सकता, तुमसे दूर कहीं नहीं जा पाऊंगा। हाँ, क्योंकि मैं जाऊंगी। रियान, रियान ऐसा मत करो। रियान हमारे साथ ऐसा मत करो प्लीज। मीरान पीछे पलटकर मत देखना बिल्कुल भी। हमने अपना इंतकाम ले लिया, खेल खत्म। हमारे साथ ऐसा मत करो प्लीज। और मैं कभी जुदा नहीं हो सकते रेहान।